अपेक्षा लायक है उसको हम करेंगे। ये तो एक ओवरऑल बात कहा मैंने। बाकी विशेष करके बात रहा दिल्ली के, दिल्ली के अपने 12 कॉलेज के विषय मेरे सामने पहले से भी है। अभी अभी मेरे को ये ध्यान में आया कि कुछ यूजीसी पेश के लिए यूजीसी की पेमेंट कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज को जाता है, जो शायद 17-18 है या 20 है, 20 है, 20 और 12 इसे 32 कॉलेज है। मैं आपको बिल्कुल इस चुनाव के उपरांत आप आइए कभी, उसके इसके ऊपर भी कभी बैठ के चर्चा करेंगे। उसमें कम से कम वहां की स्टूडेंट और टीचर ये दोनों की हित में क्या किया जा सकता है उसकी रणनीति हम बनाएंगे। ये डूटा की दायित्व है, आप उसमें आइए हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं इन लोगों को बड़ा नजदीक से पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं, 15 महीने से देख रहा हूं। ये एक प्रचार धर्मी झूठ बोलने वाले समूह है। इनकी दायित्व करके, रेस्पॉन्सिबिलिटी करके कोई नीति इनकी नहीं है। उसके अलावा जो काम बात उन सामने आ रहा है, जो बात सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार को मुद्दा करके इन्होंने दायित्व में आए थे 8 साल पहले। आज शायद कम समय में 8 सालों के अंदर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स किसी ने तोड़ा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में तोड़ा है। कौन कौन सी विषय में? शिक्षा में समझौता, दिल्ली में स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन में लगभग उनकी जिम्मेवारी 45-50% बच्चों की है। बाकी 50% बच्चे, 45% बच्चे तो भारत सरकार या निजी सेक्टर में पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में उनके पास तो नगण्य जिम्मेवारी है, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स दीव के हैं। लगभग डिस्टेंस एजुकेशन को मिला दे तो शायद आपकी संख्या 1 लाख होगा, डिस्टेंस को मिला दे तो रेगुलर विद्यार्थियों की संख्या। दिल्ली की डिस्टेंस एक क्यों कामकाजी लोग हैं दिल्ली में प्रॉपर सीट में, क्योंकि दिल्ली की सीट के एडमिशन इस बार सीयूईटी में थोड़ा आपको रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो आपके वहां कितने फिर भी आता था, कितने को आप चाय पिलाते थे, कितने को आप समझाते थे हमारा हाथ में है नहीं, फिर भी आप कैसे कहें, फिर आप कैसे कहें कि आपकी नहीं चलती है। जैसे कहा था कम पढ़े लिखे आदमी यस यस वेरी गुड थैंक यू कह के छोड़ना पड़ता था, अपना विद्वता दिखाना पड़ता। आप कितना उलझन में रहते थे, आप बता नहीं पाओगे कि भाई आप नहीं कर पाते हो, मेरिट में होता है डीयू में, लेकिन उसमें आपकी, लेकिन लोग आपको तंग करते थे। लेकिन दीयू में तो आज सीयूईटी में 75% वाले भी तो एडमिशन नहीं कर पाते, वो बेचारा डिस्टेंस में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। पर आप लोग उनको पढ़ा भी देते हो कॉलेज वगैरह में बिठा के, आप लोग ज्यादा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा नजदीक से देखा हूं, स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से आप नहीं पढ़ाते हो, आप तो सच में विद्यादान करते हो, जो आया उसको पढ़ा के भेज देते हो, ऐसे ही होता है ना। डीयू की क्लासेस अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ से बाहर जाता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बच्चे नहीं तो पढ़ेंगे कहां। अच्छा, वो बेचारा बच्चा घर में कह के आया कि मैं डीयू में एडमिशन कर रहा हूं, पिताजी किराना का दुकान चलाते, पिताजी रेड़ी पटरी वाला है, पिताजी खोमचा चलाते, पिताजी ठेले रिक्शा चलाता है, वो जानता है बेटा मेरा डीयू में पढ़ता है, उसकी आकांक्षा है, अपेक्षा है, झूठ नहीं बोलता है, वो पढ़ता है डीयू की डिस्टेंस में, 75% मार्क लाया, एडमिशन नहीं मिला, किसकी जिम्मेवारी है? दिल्ली में पुलिस की खर्चा दिल्ली सरकार की नहीं है, दिल्ली की अगर खर्चा अन्य राज्य सरकारों के साथ तुलना करो, दिल्ली राज्य सरकार की आमदनी और खर्चा में काफी अंतर है। आमदनी बहुत है व्यवसाय केंद्र होने के नाते, खर्चा अन्य राज्यों की तुलना में 60% नहीं है, यानी संसाधन जाते हैं। उसके बाद 12 कॉलेज की टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती दीपावली में, ये मुद्दा नहीं है क्या? सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस इनकी घट रही है, बहुत जोर से बोल के ये लोग अपने झूठ को सच बनाने का कोशिश कर रहे हैं।